बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी, हथियार और बम बरामद। केंद्रीय जांच एजेंसी ने संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। ये छापेमारी पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दूसरे चरण के वोटिंग के दौरान की गई। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 3 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 10 सदस्यीय सीबीआई टीम ने संदेश खाली के सर्वेरिया इलाके में एक घर पर छापा मारा, जो स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता हफीजुल खान के रिश्तेदार का था। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की सहायता से सीबीआई टीम ने हथियार और गोला बारूद के साथ साथ घर के अंदर रखे कई बम भी बरामद किए। जांच अधिकारी एक गुप्त सूचना मिलने के बाद स्थान पर पहुंचे और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए अपने साथ एक बम स्कैनिंग उपकरण भी लाए। छापेमारी फिलहाल जारी है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता शेख शाहजहां को ईडी टीम पर हमले के मामले में 55 दिनों की फरारी के बाद 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। उमरा और हज के सफर पर चले अलजना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उमरा की सीट बुक करें इस नंबर पर। टिकट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं। बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी, हथियार और बम बरामद। केंद्रीय जांच एजेंसी ने संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। ये छापेमारी पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दूसरे चरण के वोटिंग के दौरान की गई। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 3 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 10 सदस्यीय सीबीआई टीम ने संदेश खाली के सर्वेरिया इलाके में एक घर पर छापा मारा, जो स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता हफीजुल खान के रिश्तेदार का था। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की सहायता से सीबीआई टीम ने हथियार और गोला बारूद के साथ साथ घर के अंदर रखे कई बम भी बरामद किए। जांच अधिकारी एक गुप्त सूचना मिलने के बाद स्थान पर पहुंचे और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए अपने साथ एक बम स्कैनिंग उपकरण भी लाए। छापेमारी फिलहाल जारी है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता शेख शाहजहां को ईडी टीम पर हमले के मामले में 55 दिनों की फरारी के बाद 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।